आपकी जिंदगी में आगे का रास्ता कैसा है? आपको सही से अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, बहुत धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, इसीलिए आपके प्यारे एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं जिंदगी के आगे के रास्ते के लिए। आपकी रीबर्थ हो रही है। ये रीबर्थ आपके करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। पास्ट में आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। Now you want some justice from God. इस समय हो सकता है आपको 666 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव जो भी चीजें हैं उसपे फोकस हटा के आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है। जो भी टॉक्सिक चीजें आपके लाइफ में रहे हैं उसे आप अब भूल जाइए, वो आपका पास्ट था। अब आपके साथ जस्टिस होगा। आप में से काफी सारे लोग अभी भी सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो कि कोई तो आए मेरी जिंदगी में। और उसका सही समय अब आ गया है। आपके गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स इस पर्सन को आपके जिंदगी में लेके आ रहे हैं। आपकी लाइफ फिर से बैलेंस में आएगी। इस पर्सन से मिलने के बाद आप हील होना स्टार्ट करेंगे। आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये पर्सन आपके पुराने कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई जान पहचान के हैं जिसके साथ आपका कोई रिलेशन था, लेकिन बहुत दिन हो गया उनके साथ अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा है। किसी किसी का एक्स भी हो सकता है। आप दोनों ही उस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, सोलमेट वाइब्स भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट टाइप कनेक्शन है। आपने बहुत सारे पास्ट लाइव्स स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ। एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में फिर से वापस ला रहे हैं। इनके आने के बाद आपको न्यू लाइफ मिलेगी। ये पर्सन अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेके आ रही है। आप डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आपकी जिंदगी हर एक पल कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको। ये एक लेसन है। ये सारी चीजें आपको वाइज मैन, वाइज वुमन बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो अब ऐसे मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। अगर
किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को मेरे लाइफ से जाना ही था तो आया क्यों, और आना ही था तो फिर गया क्यों? आपके साथ जो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा।